पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप होते हैं, क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम। दोनों ही सिस्टम को हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स बनाने हो या फिर आपको इस वीडियो के लिए पढ़ना हो कुछ भी, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर से आप इसका पूरा मटेरियल देख सकते हैं। अब हम क्लोज लूप सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। तो मैंने एक वाटर लेवल सिस्टम लिया है जिसके अंदर मुझे एक टैंक मैंने ले लिया है। यहाँ पर इनलेट है, आउटलेट है। इनलेट से पानी आएगा, आउटलेट से पानी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है कि मुझे इस पानी को किसी एक फिक्स लेवल पर रखना है, कोई भी एक लेवल पर ही मुझे रखना है। ऐसा कई इंडस्ट्रीज़ में होता है कि आपको वाटर को एक लेवल पर मेंटेन रखना होता है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो ऐसा मुझे यहाँ पर करना है, ये मेरा टास्क है। अब मुझे ये कैसे करना होगा, अगर मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है, मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई स्केल लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग्स होगी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड सो ऑन। अब मुझे मान लीजिए कि 5 मीटर पर इस वाटर को रखना है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही इस पानी, मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है, अब ये पानी जैसे ही 5 मीटर से ऊपर हो जाएगा, तो मैं इस टैप को, ये जो टैप है यहाँ पर, ये टैप है, ठीक है, इस टैप को ओपन करूँगा और इधर से पानी निकलने लगेगा। तो इधर से पानी निकलेगा तो यहाँ से लेवल वापस से कम होगा, तो जैसे ही ये 5 मीटर पर आ जाएगा तो मैं इस टैप को बंद कर दूँगा या फिर इसको एक नॉर्मल उस पर ओपन करके रखूँगा कि उतना पानी यहाँ से निकलता रहेगा और इतना इधर से आता रहेगा, तो यहाँ पर 5 मीटर पर ये बना रहेगा। तो इस तरीके से मैं ये मैनुअली कर रहा हूँ ये काम। अब मुझे ये काम मैनुअली नहीं करना, क्योंकि आप हर सिस्टम के लिए मैनुअली देखने तो नहीं बैठेंगे ना कि यहाँ पर 5 मीटर पर है या नहीं है। तो आपको इसके लिए कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना होगा। अब इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमको क्या करना है कि इस टैप को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप इस टैप को ऑटोमेटिक कंट्रोल कब कर पाएंगे, जब आप इस पानी को मेजर कर पाएंगे। अब अगर आपने इस पानी को मेजर कर लिया कि ये वाटर लेवल है ये कहाँ पर है अभी, तो अगर ये 5 मीटर से ज़्यादा है तो आप इस टैप को ओपन करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये 5 मीटर से कम है तो इस टैप को बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये काम ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक होने के लिए मैंने इस टैप को, ये जो टैप है मेरा, इसको मैंने कंट्रोल एलिमेंट बोला है इस कंट्रोल सिस्टम का। आप देख भी सकते हैं इस टैप की वजह से ही आपका जो पानी है वो कंट्रोल हो रहा है, पानी का जो लेवल है वो कंट्रोल हो रहा है, और पानी का लेवल जो है वही आपका आउटपुट है इस सिस्टम का। अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मेरा कंट्रोल एलिमेंट है। तो इस कंट्रोल एलिमेंट को मैंने एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर के साथ जोड़ दिया। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, कुछ एक वैल्यू लेगा और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस टैप को कंट्रोल करेगा। तो इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर को सबसे पहले तो मैंने इसके इनपुट में एक वैल्यू फीड कर दी, इसको मैं बोलता हूँ सेट पॉइंट, जो मुझे चाहिए। ये सेट पॉइंट जो है ये मेरा इनपुट होगा, इसको मैं RS से भी डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेट पॉइंट है ये आपका ये 5 मीटर है, कि आपने 5 मीटर इनपुट इसको दे दिया ऑटोमेटिक कंट्रोलर को कि भैया आपको इतनी तो रखनी ही है, इतनी ही रखनी है आपको, इससे ना ऊपर ना ज़्यादा। तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर ने ये इनपुट ले लिया। अब ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर इस कंट्रोल एलिमेंट को कंट्रोल कब करेगा, जब इसको दूसरी वैल्यू भी पता होगी, कि ये जो एच हाइट इसको पता होगी, मान लीजिए 7 मीटर हो गई आपकी हाइट पानी ज़्यादा आने से, या फिर कोई डिस्टरबेंस आ गया तो आपकी 7 मीटर हो चुकी है ये हाइट। तो अब आपका एरर तो आ गया ना, तो ये एरर सिग्नल अगर इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर को पता होगा तभी ये इस कंट्रोल एलिमेंट को चेंज कर पाएगा। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर के पास एरर सिग्नल आने के लिए आपको एक फीडबैक देना होगा। तो फीडबैक के लिए आपने यहाँ पर मान लीजिए एक लेवल ट्रांसड्यूसर लगा दिया। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर आप पढ़ेंगे मेजरमेंट में, तो ये एक सेंसर होता है जो मेजर करने के लिए, किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए सेंसर होते हैं अलग अलग टाइप के। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, मेजरमेंट में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो वाटर लेवल ट्रांसड्यूसर मैंने यहाँ पर लगा दिया, इस वाटर लेवल को मेजर करेगा। अब ये जो ट्रांसड्यूसर है ये मैंने कनेक्ट कर दिया इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर के साथ।
तो ये क्या करेगा, मान लीजिए अभी आपके वाटर लेवल की जो हाइट है वो 7 मीटर हो गई, तो उस 7 मीटर को ऑटोमेटिक कंट्रोलर को देगा। इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर के अंदर एक कंपेरेटर लगा होता है जो इस सेट पॉइंट वैल्यू को और इस लेवल ट्रांसड्यूसर के द्वारा दी गई वैल्यू को मैच करेगा। और जैसे कि यहाँ पर 7 मीटर है, तो ये मान लीजिए इन दोनों वैल्यूज़ को मैच करेगा और ये बता देगा कि यहाँ पर जो हाइट है वो 2 मीटर ज़्यादा हो चुकी है, इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर को ये बता देगा। फिर ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या करेगा, इस टैप को कंट्रोल करेगा, इस टैप को ओपन करेगा और यहाँ से पानी जाने देगा। फिर नई वैल्यू आएगी लेवल ट्रांसड्यूसर के पास, ये आपकी एरर है, ये 2 मीटर जो है ये आपकी एरर है, इन दोनों का डिफरेंस एरर होता है। तो ये लेवल ट्रांसड्यूसर अब क्या करेगा, जैसे आपने इसको खोल दिया ना, ठीक है, इसके बाद नई वैल्यू आई, इसको खोलने के बाद पानी निकला, फिर पानी कम हुआ, कुछ नई वैल्यू आई, तो अब मान लीजिए 5 मीटर वैल्यू हो गई, तो ये 5 मीटर इसको सेंड करेगा, यहाँ से 5 मीटर लेगा, दोनों का डिफरेंस दिखेगा तो दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर को पता लग जाएगा कि अभी टैप को चेंज नहीं करना है। तो ये पूरी इसकी फंक्शनिंग है। अब ये क्लोज लूप सिस्टम कैसे हुआ, क्लोज लूप सिस्टम ये ऐसे बना कि एक तो आपका फॉरवर्ड पाथ हो गया सिंपली कि आपका पानी आ रहा है पानी जा रहा है, ठीक है। दूसरा, आपने इस आउटपुट को जो आपकी हाइट एच नई वैल्यू जो आ रही है, इस आउटपुट को भी आपने इनपुट से मैच करके देखा कि आपके कोई एरर तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो आपने उसको रेक्टिफाई करा, आपने उसको सही कर दिया। तो यही एक क्लोज लूप सिस्टम है, इसको जब मैं ब्लॉक डायग्राम में बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं या फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मैंने एग्जैक्टली इससे देख कर ही बनाया है, तो आपको आसानी होगी यहाँ पर समझने में और रिलेट करने में। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो प्लांट ले लीजिए, आप पहले सबसे पहले प्लांट बनाइए, बाकी सब भूल जाइए। तो प्लांट क्या है, प्लांट के अंदर देखिए, प्लांट के अंदर सब कुछ है, टैंक भी है, इनलेट भी है, आउटलेट भी है, वाटर भी है, ये सारी चीज़ें इस प्लांट के अंदर है। प्लांट से कनेक्टेड है कंट्रोल एलिमेंट, टैप कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट को कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलर है वो है ऑटोमेटिक कंट्रोलर, ये रहा, ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। अब ऑटोमेटिक कंट्रोलर किस वजह से काम कर रहा है, उस एरर सिग्नल की वजह से काम कर रहा है जो लेवल ट्रांसड्यूसर और सेट पॉइंट को मैच करने के बाद जो एरर सिग्नल आया वो कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोलर का इनपुट है। तो ये एरर सिग्नल हो गया। एरर सिग्नल कहाँ से आया, कंपेरेटर से आया। कंपेरेटर ने क्या करा, इनपुट को और फीडबैक को दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करा और ये एरर सिग्नल बना दिया। तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब लेवल ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, लेवल ट्रांसड्यूसर सर ये जो आपका आउटपुट आया मतलब जो एच हाइट आई उसको मेजर कर रहा है, सिर्फ उसको मेजर कर रहा है और आपको कंपेरेटर को वैल्यू दे रहा है। तो ये जो आउटपुट है ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। प्लांट का जो आउटपुट है, जो सी एस है या फिर जो हाइट है, ये आपका इस लेवल ट्रांसड्यूसर का इनपुट बनेगा। तो ये इसका इनपुट बन गया, उसके बाद ये वैल्यू गई। बी एस जो है ये आपका फीडबैक सिग्नल है, ठीक है। अब जो ये है ये आपका पूरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बन गया। क्लोज लूप बन भी तो रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए क्लोज लूप बन रहा है, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। जो ये वाला पाथ है, ये पूरा पाथ, इसको मैं बोलता हूँ फॉरवर्ड पाथ, और इस फॉरवर्ड पाथ को मैं जी एस से शो करता हूँ, मतलब जी एस इसका गेन है, फॉरवर्ड पाथ गेन। जो ये लेवल ट्रांसड्यूसर है ये हो गया फीडबैक पाथ, और इसका जो गेन है वो होता है एच एस। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब हम इसको जी एस, इस पूरे पाथ को जी एस और इस पूरे पाथ को एच एस के फॉर्म में शो करेंगे। तो अब क्या वैल्यू आएगी आपके पास, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसको मैंने शो कर दिया जी एस से, यहां पर आया मेरे पास सी एस, ये हुआ एच एस, यहाँ पर समिंग पॉइंट मैंने बना दिया, ये आपका इनपुट, और ये हो गया फीडबैक सिग्नल, यहाँ पर आ गया एरर सिग्नल, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूँ इसका मतलब मैं भी आपको समझा दूंगा। तो
ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, इसको आप कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको आप कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में शो करना है अगर, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, दिस इज सी एस एंड दिस इज आर एस। मतलब ये आउटपुट है, ये इनपुट है, और ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है इस पूरे का। जो आउटपुट और इनपुट को रिलेट कर दे वो ट्रांसफर फंक्शन। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएगा, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये आपका कैसे आया। तो ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए ये पूरा सिस्टम आपका बना। आप ये कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म बना सकते हैं। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म का डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इस मेन सिग्नल मेन ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे यहाँ पर, तो आप कुछ चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं, कुछ इक्वेशंस मैं यहाँ से बनाऊंगा, तो वो इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए इस ई एस को आप क्या लिखेंगे, आर एस माइनस बी एस। तो ई एस को मैंने लिखा आर एस माइनस बी एस, इक्वेशन वन, ठीक है। इस सी एस को आप क्या लिख सकते हैं, ई एस इंटू जी एस, यहाँ से भी लिख सकता हूँ मैं सी एस को ई एस इंटू जी एस, ठीक है, यहीं से लिख लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। तो सी एस को मैंने लिखा ई एस जी एस, ठीक है। और जो बी एस है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एस इंटू एच एस। जो बी एस है उसको मैंने लिखा सी एस इंटू एच एस। तो तीन इक्वेशंस मेरे पास बन गई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर पुट करनी है। तो ई एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एस अपॉन जी एस। तो इक्वेशन वन में अगर मैं रखूँ ई एस की जगह है सी एस अपॉन जी एस आर एस माइनस, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो बी एस की वैल्यू क्या होगी, सी एस एच एस। अब आप इस जी एस को दोनों तरफ इंटू कर दीजिए, आर एस जी एस सी एस जी एस एच एस। इस वाली इक्वेशन को इधर ले आइए, तो सी एस को कॉमन ले लूँगा, तो 1 प्लस जी एस एच एस बन जाएगा इंटू बराबर आर एस जी एस। तो सी एस अपॉन आर एस, इस टर्म को इधर ले जाऊँगा, तो ये बन जाएगा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये आपका रिलेशन आ गया आउटपुट में और इनपुट में। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिखा तो मैं एक बार समझा देता हूँ। सी एस बराबर आर एस जी एस, इस जी एस को मैंने इधर इंटू कर दिया, तो आर एस जी एस माइनस सी एस जी एस एच एस बन गया। उसके बाद मैंने इस वाली इक्वेशन को इधर शिफ्ट कर लिया और सी एस को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस जी एस एच एस बन गया। फिर इस 1 प्लस जी एस एच एस को इसके नीचे ट्रांसफ़र कर दिया और इस आर एस को इसके नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन बन गई। ये क्लोज लूप सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन मेरे पास आ गया। तो इसी को मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में भी शो किया है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव फीडबैक ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए 10 और मेरे पास अभी फॉरवर्ड पाथ से वैल्यू आई 7, तो फीडबैक पाथ क्या करेगा, इस 7 वैल्यू को वापस यहाँ पर देगा, फिर ये इसके साथ मैच होगा और आपको पता लगेगा कि 3 वैल्यू घट रही है, तो आपको 3 और चाहिए। तो वो 3 चाहने के लिए, हाँ, लेकिन अगर आपने पॉजिटिव लगा दिया तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर आई 3, तो ये 3 इस 10 के साथ जुड़ जाएगी और ये जुड़ के 13 हो जाएगी, तो ये 13 दे देगा, तो 13 तो आपको चाहिए ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव फीडबैक है ये आपके सिस्टम को स्टेबल बनाता है, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक है वो अनस्टेबल बनाता है, वो वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू देता है, जो आपको चाहिए ही नहीं उससे ज़्यादा वैल्यू देगा और उसके ऑसिलेशंस बढ़ा देगा। तो आप हर जगह नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर्स में या किसी भी सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक भी कुछ जगह यूज़ होता है, ऑसिलेटर्स वगैरह में पॉजिटिव फीडबैक भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में नेगेटिव फीडबैक ही यूज़ किया जाता है। अब मैं ओपन लूप सिस्टम की बात करता हूँ, सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ओपन लूप सिस्टम के लिए। तो ये इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया, टैप हो गया, वाटर टैंक, सब कुछ वैसा का वैसा है। आपको इस टैप को कंट्रोल
करना है, लेकिन आप इसके अंदर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ओपन लूप सिस्टम है। तो इसके अंदर मैंने क्या करा कि यहाँ पर वही ऑटोमेटिक कंट्रोलर मैंने यहाँ पर लगा दिया, ऑटोमेटिक कंट्रोलर मैंने लगा दिया, सेट पॉइंट इसको मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मुझे इसको कंट्रोल तो करना है, तो इसके लिए मुझे फीडबैक देना होगा, लेकिन अगर फीडबैक दे दूंगा तो क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि लेवल ट्रांसड्यूसर तो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, लेकिन इसको मैंने एक डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब जो नई वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले को तो मिल जाएगी, मतलब डिस्प्ले पर शो होगी, लेकिन ऑटोमेटिक कंट्रोलर को ये नई वैल्यू पता नहीं चलेगी। और जब तक ये नई वैल्यू इसको पता नहीं चलेगी, ये सेट पॉइंट से मैच नहीं कर पाएगा और कोई एरर सिग्नल जनरेट नहीं कर पाएगा, और ये स्टेप को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक काम नहीं हो पाएगा, आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। इस डिस्प्ले से आप वैल्यू देखेंगे कि 7 मीटर वैल्यू हो गई, तो आप इसको खोल देंगे या फिर इसको बंद करेंगे, तो उस हिसाब से आप इस पर काम करेंगे। तो ये एक ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम में अगर हम ये कहते हैं कि फीडबैक होता ही नहीं है, तो वो पूरी तरीके से सही बात नहीं है, क्योंकि फीडबैक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फीडबैक कनेक्टेड नहीं होता, तो बात वहाँ पर सही है। जैसा कि इस ब्लॉक डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, सेट पॉइंट आर एस हो गया, आर एस ही यहाँ पर ई एस है क्योंकि कोई बी एस नहीं है। फिर ऑटोमेटिक कंट्रोलर हो गया, प्लांट हो गया, इस प्लांट के अंदर ही कंट्रोल एलिमेंट भी छिपा है। फिर आपके पास यहाँ पर आउटपुट आया, लेवल ट्रांसड्यूसर और डिस्प्ले जो हैं वो आप कनेक्ट करते हो अगर तो बहुत अच्छा, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब अगर आप इसके लिए मॉडल बनाना चाहते हैं ब्लॉक डायग्राम के वजह मदद से, तो आप GS CS, अब यहाँ पर आप HS लगाएं या नहीं लगाएं उसका कोई मतलब नहीं है। तो नहीं लगाते हम, तो यहाँ पर GS बना देते हैं। तो सिंपली ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, और यही ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम भी आप बना सकते हो। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म यही लिख सकते हो आप। तो ये हमने देखा कि ओपन लूप सिस्टम किस तरीके से होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट ओपन लूप सिस्टम के लिए, कि आपको आउटपुट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट की वैल्यू आपके कंट्रोलर को तो पता नहीं लग रही, तो आउटपुट की वैल्यू कुछ भी आ जाए आपको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में आपकी आउटपुट की वैल्यू पर डिपेंड होता है। ओपन लूप सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब अगर कोई भी डिस्टरबेंस आया, जैसे कि आपने एक टैंक में बहुत सारा पानी एक साथ डाल दिया, तो आपके आउटपुट में पूरा का पूरा शो हो जाएगा, मतलब उसकी सेंसिटिविटी 1 होती है। ये जो सेंसिटिविटी वाला टॉपिक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप अगले वीडियो में इसको समझ सकते हैं। जबकि क्लोज लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सेंसिटिविटी कंट्रोल सिस्टम की कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि फीडबैक तो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से सिंपल भी होता है और सस्ता भी होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस पॉइंट्स को लिख रहे हैं, तो इसको 3 स्टेप्स में लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड आर वेरी लेस, दे आर सिंपल एंड दे आर चीप। तो ऐसे 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसके अंदर ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली है। ऑप्टिमाइजेशन नॉट पॉसिबल, मतलब आप इसका एनालिसिस नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका एनालिसिस कर सकते हो, इसलिए हम पूरे सब्जेक्ट में क्लोज लूप सिस्टम पढ़ेंगे और उसका पूरा एनालिसिस भी करेंगे। टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन दोनों में करेंगे। ये अनरिलायबल होते हैं और इनएक्यूरेट होते हैं, मतलब एक्यूरेट वैल्यूज़ आपको नहीं देते हैं, जबकि ये रिलायबल और एक्यूरेट वैल्यूज़ दे सकते हैं। ओवरऑल गेन डज नॉट चेंज, ओवरऑल गेन रिड्यूस ड्यू टू फीडबैक, फीडबैक की वजह से ओवरऑल गेन कम हो जाता है। देखिए, गेन की जो बात है वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा कि गेन किस तरीके से वेरी होना चाहिए ताकि आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्टेबल बना रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इन दोनों के डिफरेंस के, ये आप समझ सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और इसको आप पढ़ लीजिए। तो आप प्लीज़ एक बार वेबसाइट पर ज़रूर जाएं और वहाँ पर आप इसके नोट्स को लिख लें।